ऑल बाय इलेक्ट्रिसिटी क्लास सिक्स न्यूएस्टर एडवांस बुक चैप्टर 12। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। अब आज के टाइम में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड लेते हैं तो देखिए, आज के टाइम में जो भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हो रहा है। यहाँ तक कि आप जो अपनी स्क्रीन पर ये बैठकर वीडियो देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फ़ोन चार्ज हुआ है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। अगर दो दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो आज तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेके रखे हैं, लेकिन सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, ये कम्प्लीटली हमारे लाइफ से कनेक्टेड है और हमें इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर का टाइटल है ऑल बाई इलेक्ट्रिसिटी, आप इसे अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारे लाइफ में तो सच में कुछ भी नहीं है। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, योर वॉचिंग स्टडी टेबल। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास सिक्स का चैप्टर 12 है। इससे पहले कि मेरे सारे जो वीडियोज़ है इस बुक के वो मेरे चैनल्स पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्लास सिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए, डॉक्टर एरोनेक्स द नरेटर ऑफ द नॉवल फाइंड्स हिमसेल्फ अ कैप्टिव अब्रॉड द सबमरीन कॉल्ड द नॉटिलस। हियर ही लर्न्स मोर अबाउट दिस अमेजिंग मशीन एंड व्हाट रन्स इट फ्रॉम द वेसल्स कैप्टन। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं दैट सबमरीन क्या होता है। सबमरीन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ डिवाइस, जैसे कि अलग अलग शिप होता है ना, तो ये उस टाइप की एकदम कवर्ड सबमरीन होती है। फिश के आकार में होती है। मैं यहाँ पर इमेज डाल दे रही हूँ, आप इमेज देख लो, इमेज देख के समझो। और ये क्या होता है, ये पानी के भीतर 6 महीने साल लाइक जस्ट जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है एंड जिस टाइप का टारगेट होता है उस तरीके से साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो सबमरीन के भीतर रहते हैं, वो रिसर्च करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये सबमरीन होती है और सबमरीन भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चल रही है। तो डॉक्टर एरोनेक्स जो यहाँ पर है वो स्टोरी के नैरेटर भी है। अब नैरेटर क्या होता है, नैरेटर मीन्स वन हु डिक्टेट्स द स्टोरी, वन हु नैरेट्स द स्टोरी। तो यहाँ पर डॉक्टर एरोनेक्स जो है वो इसके कैरेक्टर भी है इस स्टोरी में और एट द सेम टाइम वो हमें स्टोरी समझाने का काम भी करेंगे। एक दिन ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि वो इस सबमरीन में ही है और इस सबमरीन का नाम है नॉटिलस। ओके, एंड हियर ही लर्न्स मोर अबाउट दिस अमेजिंग मशीन एंड वॉट रन्स इट फ्रॉम द वेसल्स कैप्टन। और यहाँ पर ऑफकोर्स अब जब ये इस सबमरीन में ही रहेंगे तो ये इससे रिलेटेड सभी कुछ सीखेंगे। तो इस अमेजिंग मशीन के बहुत सारे फंक्शंस को ये समझते हैं और साथ में ये भी देखते हैं दैट इस वेसल्स के कैप्टन कौन है और वो इसे कैसे रन करते हैं। रन मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा चलाना। नॉटिलस वॉज अ सबमरीन, नॉटिलस क्या है, एक सबमरीन था। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट मुझे अपनी एंटायर लाइफ जो है ना इसके इस मशीन के भीतर ही फिलहाल के लिए बितानी है। हैंस इट वॉज ऑनली नेचुरल दैट आई शुड लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो अब ये काफ़ी नेचुरल था बिकॉज डॉक्टर एरोनेक्स इज सपोज टू बी इन द सबमरीन फॉर लाइक अ लॉन्ग पीरियड, दैट्स वाई ये बहुत नेचुरल था बिकॉज हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का हम एटमोसफेयर ऑटोमेटिक सीख ही जाते हैं। तो डॉक्टर एरोनेक्स के लिए भी ये काफ़ी नेचुरल था कि वो जो कुछ भी है इसके फंक्शन वगैरह जो है वो पॉसिबली उसे सीख रहे थे। ये क्या बोलते हैं, मैं कैप्टन के रूम में गया एंड कैप्टन का जो रूम था ऑलमोस्ट हर्मिट लाइक अपीरियंस था। व्हाट इज़ हर्मिट लाइक अपीरियंस, हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु स्टेज इन सॉलिटरी एटमोसफियर बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पर्पस। तो हर्मिट एक ऐसा पर्सन हुआ, संत वगैरह, जो कि धार्मिक कारण के चलते अकेला रहता है। लेकिन ये रूम जो था पूरी तरीके से अलग था। कौन सा रूम, यहाँ कैप्टन के रूम की बात की जा रही है। वहाँ पे एक छोटा सा आयरन बेड स्टेड भी था, एक टेबल था और कुछ पीसेज ऑफ फर्नीचर थे फॉर टॉयलेट। टॉयलेट प्रिमिटिव यूज़ हैं, पहले के टाइम में टॉयलेट जो मीन्स होता था फर्नीचर वगैरह जो होता था जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह होता था उसे हम टॉयलेट बोलते हैं। तो देखिए, सबमरीन के भीतर ही ये सब कुछ है, लेकिन ये यहाँ पर कोई कंफर्ट नहीं है। जैसे घर में बहुत आराम रहता है, यहाँ पे कंफर्ट नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ भी लाइट अप था, जो कुछ भी दिखाई दे रहा था इनडायरेक्ट लाइट के थ्रू, यहाँ पे इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, जो कुछ भी है इलेक्ट्रिसिटी के चलते ही हो रहा है। ऑनली द बियरेस्ट ऑफ द नेसेसिटीज़, तो यहाँ पर कोई कम्फर्ट नहीं है, बस जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरी है, उसी का थोड़ा भाग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यू करते हैं। कैप्टन नीमो इंडिकेटेड अ चेयर, कैप्टन नीमो जो है वो डॉक्टर एरोनेक्स को एक चेयर की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि बैठिए। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं बैठ गया, आई सैट डाउन एंड ही स्पोक्स एज फॉलोज। इनके बैठने के बाद, इट मीन्स दैट डॉक्टर एरोनेक्स के बैठने के बाद नीमो जो है वो बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, डॉक्टर एरोनेक्स
पॉइंटिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स हैंगिंग ऑन द वॉल्स, वो वॉल्स पर जो इंस्ट्रूमेंट्स जो लटकाए हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा ये जो नॉटिलस है, जो ये सबमरीन है, ये अच्छे से सेल कर पाए, सेल मतलब पानी में अच्छे से जर्नी कर पाए। उसके बाद देखिए बताते हैं, यहाँ पर एक सलून है और यहाँ पर कुछ व्यूज़ हैं, टेलिंग मी माई पोजिशन एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन इन द मिडल ऑफ द ओशन, आई हैव देम ऑलवेज इन व्यू। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यहाँ पर देम वर्ड आया है कि मैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अपने आँखों के सामने ऑलवेज देख पाता हूँ। सम ऑफ देम यू ऑलरेडी नो सच एज द थर्मोमीटर विच टेल्स मी द टेम्परेचर। उसके बाद बताते हैं दैट कुछ जो है ना उसमें से तुम भी इन सब से परिचित होंगे, जैसे कि थर्मामीटर, ये हमें टेम्परेचर बताता है हमारा। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप जो ये बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन रहे हो ना, ये जो आवाज़ आ रही है मोटरसाइकिल्स वगैरह की, आप प्लीज़ इसे इग्नोर करिए एंड आई विल लाइक ट्राई टू फोकस यू ऑन योर स्टडी। तो आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू स्पीक वेरी लाउडली, मैं भी बहुत लाउडली बोलने की कोशिश करूँगी और आप भी पूरा ध्यान मेरी वॉइस पर लगाइए, ना कि आती जाती हुई व्हीकल्स पर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ देम यू ऑलरेडी नो सच एज द थर्मोमीटर विच टेल्स मी द टेम्परेचर इन साइड द नॉटिलस, द बैरोमीटर विच मीन्स द वेट ऑफ द एयर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ दैट थर्मामीटर जो है इनके नॉटिलस के भीतर का जो टेम्परेचर है वो पता चलता है, बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे पता चलता है कि एयर का क्या प्रेशर है, क्या वेट है, और इसी से इनको वेदर का फोरकास्ट भी पता चलता है। वेदर का फोरकास्ट मतलब कि वातावरण में क्या चेंजेस आ रहा है, मौसम में क्या परिवर्तन आ रहा है। और उसके बाद है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से इनको पता चलता है एयर में कितना मॉइस्चर है। और उसके बाद स्टॉर्म ग्लास, देखिए जैसे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही है स्टॉर्म ग्लास, तो इससे पता चलता है द स्टॉर्म कब आने वाला है। द कंपस विच शोज मी द कोर्स टू टेक, और ये कंपस जो है ना ये बताता है इनको और कितना दूर जाना है। सेक्सटेंट बोलकर जो इंस्ट्रूमेंट है इनसे इनको लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में पता चलता है ऑफ द सन। लैटिट्यूड आपको पता ही होगा, लैटिट्यूड ये है एंड लॉन्गिट्यूड हमारा ये वाला होता है जो अर्थ का जो स्पेयर जो इमेजिनरी लाइंस है उन सब के बारे में बात किया गया है। एंड एल्टीट्यूड होता है समुद्र के तल से, समुद्र का जो पानी होता है उसके ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट क्रोनोमीटर्स। क्रोनोमीटर्स इनको कैलकुलेट करने में मदद करता है कि इनका क्या लॉन्गिट्यूड है। लास्टली द टेलीस्कोप, अब आपके मन में आता होगा टेलीस्कोप का यह पानी में क्या ही करेगा, लेकिन जब नॉटिलस सरफेस पर होती है, सरफेस मतलब क्या होता है एकदम लाइक पानी के सरफेस पर होती है, तब ये वहाँ से हर एक हॉरिजन को अच्छे से टेलीस्कोप से देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से चैप्टर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड एट द सेम टाइम आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। दीज आर द यूजुअल नेविगेशनल इक्विपमेंट्स एंड आई एम अवेयर ऑफ देयर फंक्शंस। उसके बाद देखिए, अब ये जब इतना कुछ बता दिए हैं डॉक्टर नीमो, प्रोफेसर नीमो, एंड आफ्टर दैट डॉक्टर नीमो जो है ये बताते हैं कि ये सारे जो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स हैं इन सब के फंक्शन के साथ ऑलमोस्ट मैं अवेयर हूँ, बट आई कैन सी अदर्स विच मस्ट कोरिस्पॉन्ड टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नॉटिलस। लेकिन मैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स देख रहा हूँ जिनको कि कोरिस्पॉन्ड करना ही होगा अगर नॉटिलस को अच्छे से चलाना है तो। इजेंट दैट डायल विद द मूविंग नीडल अ प्रेशर गॉज। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो रायल मैं देख रहा हूँ जो, क्या ये प्रेशर गॉज नहीं है? प्रेशर गॉज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब देखिए इस प्रेशर गॉज का काम क्या होता है। तो यहाँ पर जो नीमो जो रहते हैं, कैप्टन नीमो, वो बोलते हैं हाँ हाँ ये बिल्कुल ये प्रेशर गॉज ही है और ये हमेशा बाहर के वाटर से कॉन्टैक्टेड में रहता है एंड ये जैसे कि कॉन्टैक्ट में रहता है तो इसलिए हमें प्रेशर बताता है और बताता है कि हमारा जो वेसल है ना वो अभी कौन से डेप्थ पर है। यू नो, समुद्र की गहराई तो बहुत होती है तो कौन सी गहराई पर है ये प्रेशर गॉज बताता है। और उसके बाद कुछ साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात होती है, एंड आर दीज अ न्यू काइंड ऑफ साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो ये एरोनेक्स जो है, डॉक्टर एरोनेक्स जो है, वो पूछते हैं क्या ये सारे साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बोलते हैं, नीमो बताते हैं, दे आर
सॉरी दे आर थर्मोमेट्रिक साउंडिंग डिवाइसेस रजिस्टरिंग द टेम्परेचर एट वेरियस स्टेप्स. तो ये जो अलग अलग जो डिवाइसेस है ना, ये रजिस्टर करते हैं टेम्परेचर का अलग अलग गहराई पर. एंड दीज अदर इंस्ट्रूमेंट्स हुज पर्पस आई कैन नॉट बिगिन टू गेस. और उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि बाकी के जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पर्पस जो है ना, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, देखिए अब यहाँ पर नीमो जो है, प्रोफेसर कैप्टन नीमो, ये यहाँ पर कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट. इसीलिए ये क्या बोलेंगे, एंड दिस अदर इंस्ट्रूमेंट हुज पर्पस आई कैन नॉट बिगिन टू गेस. बिफोर गोइंग एनी फर्दर डॉक्टर एरोनेक्स, आई मस्ट एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई हैव टू से. तो देखिए ये क्या बोलते हैं कि डॉक्टर एरोनेक्स, इससे पहले कि मैं आपको और भी आगे बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा ध्यान इधर दीजिए, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं. कैप्टन नीमो पॉज ब्रीफली एंड देन कंटिन्यूड. और उसके बाद कैप्टन नीमो जो है थोड़ी देर का गैप लेते हैं और उसके बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर एक एजेंट है जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, ईजी टू यूज़ है और हर काम के टाइप के लिए सूटेबल है. विच रिंस सुप्रीम ऑन बोर्ड. और ये क्या है, अथॉरिटेटिव है. इस बोर्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है, वही सब कुछ करता है. इट प्रोवाइड्स मी वॉट हीट एंड लाइट. इट प्रोवाइड्स मी विथ हीट एंड लाइट. तो ये जो एजेंट है, इसी के चलते मुझे हीट एंड लाइट भी मिलती है और ये हमारे जितने भी मशीन्स हैं ना, उन सब के आत्मा के जैसे वर्क करता है. तो ये अभी तक कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की. दैट एजेंट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी, आई एक्सक्लेम्ड समवॉट सरप्राइज्ड, यस इंडीड. और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है, जो डॉक्टर एरोनेक्स है, इनको बहुत आश्चर्य होता है. ही बिकम्स कम्प्लीटली वंडर दैट ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इतना पावरफुल है, और काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं. तो नीमो जो है वो बोलते हैं यस इंडीड. तो ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दिशांत सूटवाल, एक्चुअली ये मेरे एक स्टूडेंट की ही बुक है और उसे ये हैबिट है कि वो हमेशा नाम लिखते रहता है. तो आप इसे इग्नोर करिए और स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं. बट कैप्टन, द ग्रेट स्पीड यू मूव एट सीम्स टू हैव लिटिल टू डू विद द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंटिल नाउ द डायनेमिक पावर और डायनेमिक कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिमेन्ड वेरी लिमिटेड, ओनली कैपेबल ऑफ प्रोसीडिंग स्मॉल फोर्सेज. यहाँ पर देखिए इस लाइन में डॉक्टर एरोनेक्स जो है वो कम्प्लीटली सरप्राइज है. इससे पहले भी उन्होंने बोला है दैट क्या इलेक्ट्रिसिटी इतना कुछ कर सकती है, इसीलिए इस चीज़ को रिपीट करते हुए बोलते हैं दैट बट कैप्टन, ये जो ग्रेट स्पीड पर आप जो मूव हो रहे हो, यानी कि नॉटिलस जो इस पानी में इतनी गहराई में इतने स्पीड में जा रही है, मुझे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के पावर के थ्रू पॉसिबल लगता नहीं है. लिटिल टू डू विद द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब तक कि डायनेमिक पावर, डायनेमिक मतलब क्या होता है, बहुत पावरफुल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये आज तक क्या हुआ है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने पहले देखा दैट डॉक्टर एरोनेक्स जो है वो कम्प्लीटली सरप्राइज है दैट इलेक्ट्रिसिटी इतना कुछ कैसे कर सकती है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि हम जिस ग्रेट स्पीड पर जा रहे हैं पानी के भीतर, इट मींस दैट नॉटिलस जो इतनी स्पीड में जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी के पावर से इतना कुछ पॉसिबल है. दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर टू लिटिल टू डू विद द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट देखिए क्या समझते हैं, दैट अनटिल नाउ द डायनेमिक कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिमेन्ड वेरी लिमिटेड. आज तक इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है वो काफ़ी लिमिटेड है. किस चीज़ में लिमिटेड है, ओनली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मॉल फोर्सेज. तो छोटे छोटे फोर्सेज ही इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉसिबल कर पाई है, लाइक फैन चलाना, लाइट्स चलाना, ये सब ही इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पॉसिबल हो पाया है. और इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि नॉटिलस जितनी इतनी हैवी डिवाइस को वो आगे बढ़ा पाए. डॉक्टर एरोनेक्स इस पर क्या, डॉक्टर एरोनेक्स को कैप्टन नीमो इस पॉइंट पर बोलते हैं दैट मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो है उस टाइप की नहीं है जो कि कॉमन इलेक्ट्रिसिटी होती है. और इस टॉपिक पे मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आई विल नॉट प्रेस द पॉइंट मॉन्सियर बट मियरली रिमेन एस्टॉनिश्ड एट द आउटकम. अ सिंगल क्वेश्चन हाउ एवर विच नीड्स टू बी आंसर इफ इट सीम्स इनडिस्क्रीट.
नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर एरोनेक्स कैप्टन नीमो को रिप्लाई करते हैं दैट मॉन्श्योर, मॉन्श्योर मीन्स क्या होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब श्रीमान होता है, आपने ये जो कुछ भी कहा है मुझे इस पॉइंट को मैं ज़्यादा प्रेस ना करते हुए, इट मीन्स ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है उसके आउटकम पर मैं पूरी तरीके से एस्टॉनिश्ड रहूँगा। अ सिंगल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे, हाउएवर विच नीड्स नो आंसर इफ इट सीम्स इनडिस्क्रीट। तो यहाँ पर डॉक्टर एरोनेक्स बोलते हैं कैप्टन नीमो को कि आप चाहे तो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी कर सकते हो अगर आपको वो अनइम्पॉर्टेंट लगे तो। द एलिमेंट्स दैट यू यूज टू प्रोड्यूस द एस्टोनिशिंग एजेंट मस्ट बी यूज इन क्विकली। तो वो क्या बोलते हैं दैट आप जो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो एलिमेंट्स तो आपको जल्दी ही यूज़ करने होते होंगे। तो अब आप ये बताइए मुझे दैट जैसे जिंक है फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू रिप्लेस इट सिंस यू नो लॉन्गर हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द लैंड। तो मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जिंक चाहिए और आपका जिंक जो है ख़त्म हो गया है, और जिंक तो आपको केवल लाइक सरफेस पर ही मिलेगा, तब आप क्या करोगे? योर क्वेश्चन विल बी एंसर्ड। इस बात पर कैप्टन नीमो जो है उनको, डॉक्टर एरोनेक्स को बोलते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए दैट जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये जो सब कुछ है ना, ये सब सी के बॉटम में ही रहते हैं, जिनको निकालना जो है ना वो पॉसिबल है। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, निकाल लेना। लेकिन मैं अर्थ से कुछ भी लेने का डिसाइड नहीं किया हूँ, इंस्टीड मैंने ये डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं डिराइव करूँगा समुद्र से ही। डिराइव मीन्स क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट, उसे निकाल लेना। डॉक्टर एरोनेक्स यू विल सी मी एट वर्क, डॉक्टर एरोनेक्स आप मुझे काम करते हुए देखोगे। आई विल ओनली आस्क फॉर अ लिटिल पेशेंस, और मैं आपसे यही कोशिश करूँगा, आशा करूँगा कि आप थोड़े पेशेंट रहे, यू नो आप धीरज रखें, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप सिर्फ एक ही बात याद रखना, आई ओ एवरीथिंग टू द सी, इट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी गिव्स द नॉटिलस हीट, लाइट एंड मूवमेंट इन अ वर्ल्ड लाइफ। तो समुद्र जो है ना, समुद्र से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से नॉटिलस को हीट मिलती है, लाइट मिलता है, मूवमेंट मिलता है, और हम बोले तो लाइफ मिलता है। अगर नॉटिलस मूव ना करे तो वो तो डूब जाएगी, और डूब जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेथ। बट नॉट द एयर यू ब्रीथ। तो इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो एयर प्रोड्यूस नहीं कर रही है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। और उसके बाद देखिए जो कैप्टन नीमो जो है वो बोलते हैं कि ऐसा होता काश कि मैं एयर भी प्रोड्यूस कर सकता, और ऐसा एयर प्रोड्यूस कर सकता जिसे हम कंजम्प्ट करते हैं, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन ये भी पॉइंटलेस हो जाता, अगर मैं एयर प्रोड्यूस कर भी देता तो वो पॉइंटलेस हो जाता। क्यों हो जाता? बिकॉज हमें तो एक ना एक दिन सरफेस पर जाना ही है, और जब हम सरफेस पर जाएंगे तो हमें जो ज़रूरत है वो सांस हमें, वो हवा हमें मिल ही जाएगी। बट इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट प्रोवाइड मी विद द एयर फॉर ब्रीदिंग, इट डज वर्क द पावरफुल पंप्स दैट स्टोर एयर इन द स्पेशल टैंक्स दैट अलाउइंग मी टू रिमेन द डीपेस्ट लेवल एज लॉन्ग एज आई विश। तो देखिए नेक्स्ट बोलते हैं जो कैप्टन नीमो है वो बोलते हैं तो क्या हुआ अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी वो सांस नहीं देती है, वो हवा नहीं देती है जिससे कि हम ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इतना पावर है कि वो ये जो पावरफुल बड़े बड़े टैंक्स जो है जिसमें हम एयर को स्टोर करके रखे हैं उसको भी यूज़ करने का जो कैपेसिटी है वो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, और इस पावरफुल टैंक के चलते ही मैं सी लेवल में एकदम डीपेस्ट, जब तक मेरा मन करे तब तक मैं रह पा रहा हूँ। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।